मैं दिखाता हूँ इसका डीओ, होंडा डीओ करके आई है, इसका ऑयल क्यों लीकेज हो रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल, देखो ऑयल लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको खोलते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने इसको खोला, अब इसको हम लेते हैं बाहर। हमने यहाँ पे देखा तो देखो पूरा ऑयल लीकेज दिख रहा है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसको खोलते बाहर। और यहाँ पे देखिए ऑयल से पूरा डूबा हुआ। तो चलिए हम इसको खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या हुआ। एक्चुअली सील डालना है, तो पहले यहाँ पे ये नट खोलिए, यहाँ पे नट खोलिए 22 का। इसके बाद इसको बाहर लीजिए, फिर ऑयल सील कैसे डालना है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको प्लग, छोटा पाना लेना है, प्लग पाना, और यहाँ पर ऐसा लगाना है। ये देख सकते, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लग पाना लगाना है। ठीक है, आपको बॉक्स पाना लेना है 22 का, और यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, और हमने टोमी लगा दिया, टोमी लगा दिया। अभी देखिए मैं खोलता हूँ। ये देखो टोमी लगाना है आपको, और एक छोटा रोड लेना है, और ऐसा आपको ये देख सकते हैं, ये आराम से खोल दिया। यहाँ टोमी लगाया, खोल दिया, और ये हटा देने का है आपको, और आपको सीधा सा बाहर लेना है एक करके। फिर उसके बाद बेल्ट निकालो। ठीक है, निकालने के बाद आपको क्लच गोटी निकालना है। ये देखिए क्लच गोटी बाहर आ गया, ये देख सकते हैं क्लच गोटी भी बाहर आ। तो चलिए हमको ये दो नट खोलना है, एक यहाँ का नट और एक ऊपर का नट। फिर उसके बाद ऑयल सील लेना है डालने का। ये हो गया हमारा, खुलके लेना है, और ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर लगाएंगे और ऑयल सील आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए अभी ऑयल सील, ये देखिए ऑयल सील हो गया बाहर। ये देख सकते हैं ऑयल सील हो गया बाहर। पहले आपको ऑयल सील को जगह पे, जो ऑयल सील का जगह है उसको अच्छे से क्लीन करो, फिर उसके बाद ऑयल सील निकालो। तो ऑयल सील आपको कैसे निकालना है ये देखिए, बहुत इजी सिंपल है। ये देख सकते हैं ऑयल सील सबसे इजी से निकल गया। फिर आपको ऑयल सील दूसरा लेना है, देखिए बना लेते हैं यहाँ पर। तो ऑयल सील आपको इजी आपको ऐसे ही डालना है। ये देखिए आपको ऑयल सील लेना है और आराम से ऐसा आपको डाल देना है। ये देखिए इसमें आपको कुछ नहीं कर, ये देख सकते हैं। ये हमारा ऐसे बैठ गया। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।